आईपीएल 2022 के रिटेंशन प्रोसेस के बाद अब सभी आईपीएल टीमें मेगा ऑक्शन की तैयारियों में लग चुकी है और अब मेगा ऑक्शन के लिए प्लेयर्स ने भी अपने नाम रजिस्टर करना शुरू कर दिया। लेकिन मेगा ऑक्शन से पहले अब 10 प्लेयर्स के नाम रिवील हुए जो कि पिछले आईपीएल एडिशन में यहां पर आईपीएल का भाग नहीं थे। लेकिन इसके बावजूद अब आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन में ये प्लेयर हमें करोड़ों में बिकते हुए दिखेंगे। इवन इनमें से यहां पर काफी सारे प्लेयर अब इस साल के मेगा ऑक्शन के मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर बन जाएंगे। मैं इस वीडियो में आपको इन सभी 10 प्लेयर के नाम बताऊंगा, आपको बताऊंगा कि अगर इन 10 प्लेयर को कौन सी टीमें कितने करोड़ में यहां पर मेगा ऑक्शन में परचेस कर सकती है, कौन सी टीमों में आखिर इनकी एंट्री हो सकती है। तो कुल मिलाकर काफी इंटरेस्टिंग, काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होगी। आप इस वीडियो को अंत जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी ये क्रिकेट के बड़े फैन तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको क्रिकेट से जुड़ी जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। अब हम बात करते हैं 10 नए प्लेयर्स की जो कि पिछले आईपीएल एडिशन में आईपीएल का भाग नहीं थे लेकिन इसके बावजूद मेगा ऑक्शन में अब काफी एक्सपेंसिव ये प्लेयर बिकेंगे। इनमें सबसे पहले नंबर पर नाम आता है मार्टिन गप्टिल का। दरअसल मार्टिन गप्टिल पिछले साल आईपीएल का भाग नहीं थे लेकिन वर्ल्ड कप के प्रदर्शन के चलते हुए अब मेगा ऑक्शन में ये भी अच्छे खासे प्राइस में बिक जाएंगे। यहां पर आईपीएल 2022 के एडिशन में अब हो सकता है केकेआर की टीम या फिर राजस्थान की टीम अब इनको परचेस कर ले। जबकि दूसरे नंबर पर अब नाम आता है यहां पर पाकिस्तान के मोहम्मद आमिर का। दरअसल मोहम्मद आमिर को अब आईपीएल खेलने की अनुमति मिल सकती है जहां पर इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अब अपनी तरफ से लेटर लिखकर यहां पर रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया और यहां पर अमेरिकन वीजा के लिए भी इन्होंने अप्लाई कर दिया है। और वहां पर वीजा और मेंबरशिप मिलने के बाद यानी वहां की नेशनलिटी मिलने के बाद ही आईपीएल खेल पाएंगे, आईपीएल खेलने की इनको यहां पर अनुमति मिल जाएगी। तो अब यहां पर मोहम्मद आमिर की मोस्ट लाइकली आईपीएल 2022 के एडिशन में हमें एंट्री देखने को मिल सकती है। आईपीएल 2022 के एडिशन में अब यहां पर हो सकता है कि आरसीबी की टीम इनको परचेस कर ले। यहां पर मेगा ऑक्शन में आने के बाद तो ये कंफर्म है कि आरसीबी की टीम यहां पर मेगा ऑक्शन में इनको परचेस करेगी। तो मोस्ट लाइकली अब ये कंफर्म है कि मेगा ऑक्शन का ये भाग बन सकते हैं और आरसीबी की टीम तो मेगा ऑक्शन में आने के बाद कंफर्म रूप से मोहम्मद आमिर को परचेस करेगी। तीसरे नंबर पर अब नाम आता है एडम मार्करम का। दरअसल एडम मार्करम पिछले साल पंजाब की टीम का यहां पर भाग रहे थे, हालांकि ज्यादा मैचेस इन्होंने नहीं खेले थे लेकिन वर्ल्ड कप के प्रदर्शन के बाद अब काफी सारी टीमें इनको टारगेट करेगी। एमआई और सीएसके की टीम तो मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के रूप में अब इनको टारगेट करेगी। तो एडम मार्करम की भी अच्छी खासी प्राइज मनी हमें मेगा ऑक्शन में देखने को मिलेगी। चौथे नंबर पर अब नाम आता है वेंडरडसन का। दरअसल वेंडरडसन का यहां पर साउथ अफ्रीका के लिए हर एक फॉर्मेट में लगातार काफी अच्छा प्रदर्शन रहा है, इसी वजह से मेगा ऑक्शन में अब राजस्थान की टीम जो कि पिछले 2 साल से इनको परचेस करना चाहती थी लेकिन ये खुद अवेलेबल नहीं हो पाए थे, लेकिन इस साल इन्होंने अपने आप को मेगा ऑक्शन के लिए रजिस्टर्ड कर दिया। तो राजस्थान की टीम मेगा ऑक्शन में अब कंफर्म रूप से इनको परचेस करेगी आईपीएल 2022 के एडिशन में। अभी शायद राजस्थान की तरफ से खेलते हुए देखिए। पांचवें नंबर पर अब नाम आता है एलेक्स हेल्स का। दरअसल एलेक्स हेल्स भी पिछले साल आईपीएल का भाग नहीं थे लेकिन आईपीएल 2022 के एडिशन में ये हमें आईपीएल में खेलते हुए देखेंगे। मेगा ऑक्शन में इनका भी नाम आएगा 6-7 करोड़ में, ये भी बिकते हुए दिखेंगे। 7वें नंबर पर नाम आता है जोरूट का। दरअसल जोरूट आईपीएल इतिहास में पहली बार अब आईपीएल में हमें खेलते हुए दिखेंगे, जहां पर आखिरी बार इन्होंने यहां पर लगभग 2013 में यहां पर आईपीएल ऑक्शन में अपना नाम दिया था। 7 से 8 साल बाद अब इन्होंने दोबारा से आईपीएल ऑक्शन में अपना नाम दिया, जहां पर हो सकता है कि अहमदाबाद और लखनऊ की टीम में या फिर पंजाब की टीम में इनको परचेस कर ले तो इनके आईपीएल में एंट्री देखने को मिलेगी 4-5 करोड़ में, ये भी यहां पर मेगा ऑक्शन में अब बिक जाएंगे। अब बात करते हैं 8वें प्लेयर के। 8वें नंबर पर नाम आता है मिचेल स्टार्क का। दरअसल मिचेल स्टार्क ने भी लगभग 4-5 साल बाद अब अपने आप को मेगा ऑक्शन के लिए रजिस्टर्ड किया, मेगा ऑक्शन में अपना नाम दिया, जहां पर इनको भी आरसीबी पंजाब की टीम और हैदराबाद की टीम टारगेट करेगी। ये टीम भी इनको परचेस करना चाहिए आईपीएल 2022 के एडिशन के लिए, अब ये टीमें भी इनको परचेस करना चाहिए। जबकि 9वें नंबर पर अब नाम आता है मिचेल मार्श का। दरअसल मिचेल मार्श का पिछला एक साल काफी अच्छा रहा है, जहां पर बिग बैश लीग में इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया की तरफ से यहां पर वर्ल्ड कप में भी काफी अच्छा इनका प्रदर्शन रहा। इवन वर्ल्ड कप के फाइनल में इन्होंने काफी तेज विस्फोटक पारी खेली थी, इसी वजह से अब मेगा ऑक्शन में काफी अधिक इन पर निगाह होगी। मेगा ऑक्शन में काफी एक्सपेंसिव ये बिक सकते हैं, इवन ऑलराउंडर होने के कारण 8 से 10 करोड़ में ये शायद मेगा ऑक्शन में बिक जाए, जहां पर पंजाब के पास सबसे अधिक पैसे होने के कारण और हैदराबाद के पास भी अधिक पैसे होने के कारण पंजाब और हैदराबाद की टीम में अब इनको टारगेट करती हुई दिखेगी। जबकि यहां पर 10वें और आखिरी
नंबर पर अब नाम आता है इंग्लैंड के तेज गेंदबाज टाइमल मिल्स का। दरअसल मिल्स को पिछले साल काफ़ी सारी टीमें परचेस करना चाहती थी लेकिन इंजरी के चलते हुए ये आईपीएल का भाग नहीं बन पाए थे, लेकिन इस साल आईपीएल का और मेगा ऑक्शन का ये भाग बनेंगे। मेगा ऑक्शन में केकेआर, एमआई या फिर और भी काफ़ी सारी टीमें अब इनको टारगेट करेगी। हो सकता है कि लखनऊ अहमदाबाद की टीम भी तेज गेंदबाज के रूप में इनको टारगेट कर ले। तो कुल मिलाकर इन 10 प्लेयर की अब नए प्लेयर के रूप में आईपीएल 2022 के एडिशन में हमें एंट्री देखने को मिलेगी। मेगा ऑक्शन का ये भाग बनेगा। आप कमेंट करके बताइए आपको इन 100 प्लेयर में से आखिर कौन सा प्लेयर अपनी फेवरेट टीम में चाहिए, आपकी फेवरेट टीम को आखिर इनमें से कौन सा प्लेयर परचेज करना चाहिए। आप अधिक से अधिक कमेंट जरूर करें। इसके साथ ही हमारी इस वीडियो करें लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।